सांटी ने आसमान में एक विशाल आंख बनाकर दुनिया भर के लोगों को जंग की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि आज से 400 साल बाद सांटी पृथ्वी पर आने वाले हैं। उसके बाद से ही दुनिया भर के लोगों में दहशत का माहौल बनाया था। अगर आपने कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आगे, सांटी द्वारा इंसानों को कीड़े कहे जाने से करोड़ों लोगों में आक्रोश भड़क उठा था। वे लोग सड़कों पर उतर आए थे और हिंसक तरीके से सांटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सांटी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें एकजुट हो गई थी और लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अभी सांटी को आने में 400 साल लगेंगे, तब तक वे लोग उन्हें रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। सरकार ने फैसला किया था कि वे आने वाली जनरेशन को सांटी का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए जो फंड लगने वाला था उसे जमा करने के लिए सरकार ने द स्टार्स आवर डेस्टिनेशन नाम की चैरिटी भी शुरू की थी, जिसमें कोई भी अमीर व्यक्ति आसमान में नजर आने वाले स्टार्स को खरीद कर उसे अपने नाम करवा सकता था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सांटी के आने से खुश थे। वे लोग सांटी को ही अपना भगवान मानकर उनकी पूजा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सांटी उन्हें खत्म करने नहीं बल्कि उनकी दुनिया में खुशहाली लाने आ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों के दिलों में सांटी का डर इस कदर घर कर गया था कि आए दिन सैकड़ों लोग खुदकुशी कर रहे थे। इसी दौरान उधर वेड ने शहर में हो रहे दंगे फसाद से दूर एक खुफिया हेडक्वार्टर तैयार कर लिया था। वेड उस हेडक्वार्टर में सांटी से लड़ने के लिए प्लान बना रहा था, जिसके लिए उसने वहां देश के मशहूर साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई थी। वेड का प्लान था कि जिस तरह सांटी ने इंसानों की जासूसी करने के लिए अपने सोफोन्स पृथ्वी पर भेजे थे, उसी तरह वे भी अपने एक प्रोब को सांटी की जासूसी करने उनके स्पेसशिप तक भेजेंगे, ताकि वे जान पाए कि सांटी उनसे कितने ताकतवर है। क्या उनकी स्पेसशिप किसी शहर जितनी बड़ी है या किसी बंदूक की गोली जितनी छोटी? इस पर साइंटिस्ट ने कहा, सांटी 1% लाइट की स्पीड से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे इतने दूर है कि अगर हम अभी अपने प्रोब को सांटी के स्पेसशिप की ओर भेजेंगे तो उसे सांटी तक पहुंचने में ही 398 साल लग जाएंगे। ये सुनकर वेड ने कहा, फिर तो हमें भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम भी अपने प्रोब को 1% लाइट की स्पीड से सांटी के स्पेसशिप की ओर भेज पाएं। इस पर साइंटिस्ट ने कहा, 1% लाइट की स्पीड लगभग 3200 किलोमीटर पर सेकंड जितनी होती है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में तो हमें 100 साल लग जाएंगे, इसलिए अगर तुम अभी प्रोब को 1% लाइट की स्पीड से लॉन्च करने का सोच रहे हो तो ये काम नामुमकिन है। लेकिन वेड किसी भी हाल में इस काम को मुमकिन बनाना चाहता था। उसी पल वेड को जिन का ख्याल आया। वेड जिन के पास आ गया और उसे भी अपना सारा प्लान समझाया। उसने जिन को चैलेंज दिया कि वो किसी भी तरह प्रोब को 1% लाइट की स्पीड तक ले जाने का कोई तरीका निकाले। कुछ दिनों तक सोचने के बाद जिन को एक आइडिया मिल ही गया। अपने आइडिया को उसने स्टेयरकेस प्रोजेक्ट नाम दिया। वो वेड के हेडक्वार्टर में आई और वेड और सारे साइंटिस्ट को अपने स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी। जिन ने उन्हें बताया, अपने प्रोब को 1% लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी से सांटी के स्पेसशिप की ओर जाने वाले रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फिट कर देंगे। उसके बाद हम अपने प्रोब को अंतरिक्ष में भेजेंगे, जो एक पैराशूट से जुड़ा होगा। वो पैराशूट ही प्रोब को खींचता हुआ आगे ले जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष में उस पैराशूट को आगे धकेलने के लिए हवा नहीं होगी, इसलिए हम हवा की जगह न्यूक्लियर बॉम्ब से निकले रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। हम उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस तरह सेट करेंगे कि जब हमारा प्रोब पहले न्यूक्लियर बॉम्ब से गुजरेगा तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। उस ब्लास्ट से निकले रेडिएशन से प्रोब के पैराशूट को एक धक्का मिलेगा, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर जब प्रोब दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब से गुजरेगा तो उसमें भी ठीक उसी तरह ब्लास्ट होगा, जिससे प्रोब की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह हर न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद प्रोब की स्पीड बढ़ती रहेगी, और जब प्रोब 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पार कर लेगा तब वो 1% लाइट की स्पीड पर पहुंच जाएगा। हालांकि जिन का ये स्टेयरकेस प्रोजेक्ट कारगर तो था, लेकिन इसमें हुई छोटी सी गड़बड़ी भी उनके पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन वेड ने रिस्क उठाते हुए जिन का स्टेयरकेस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसी वक्त से अपने सारे साइंटिस्ट्स को काम पर लगा दिया। इसके साथ ही वेड के दिमाग में कुछ और भी प्लान्स थे। उसने अपनी एक टीम को चांद पर एक विशाल स्पेसशिप बनाने का मिशन भी सौंप दिया था। वेड ने राज को उस मिशन का कमांडर बना दिया।
उधर दूसरी ओर ऑगी भी कुछ दिनों पहले ही सॉल और विल के साथ रहने आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जिन उनसे मिलने आई। जिन विल के कैंसर के बारे में जानकर दुखी थी, वहीं विल जिन के आने से खुश था। विल कॉलेज के समय से ही जिन से प्यार करता था, जिन को भी इस बात का एहसास था, लेकिन विल ने कभी जिन से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, इसलिए जिन और विल की प्रेम कहानी कभी आगे नहीं बढ़ पाई। और अब तो जिन की जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड राज आ चुका था, इसलिए विल ने अपने प्यार को अपने अंदर ही दफन कर दिया था। जिन ने वहां अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे पल बिताए। वहीं जिन ने ऑगी को बताया कि वो वेड के साथ मिलकर स्टेयरकेस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें वे एक प्रोब को सांटी तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उन्हें उस प्रोब को हल्का बनाना होगा ताकि वे उसकी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। ये बताकर जिन ने ऑगी से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से प्रोब के लिए एक बहुत ही हल्का पैराशूट तैयार करो। हालांकि ऑगी के लिए ऐसा पैराशूट तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर वो दोबारा वेड के लिए काम नहीं करना चाहती थी। उसने जिन को बताया कि किस तरह वेड ने जिन के बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर इवांस की शिप पर मौजूद मासूम बच्चों तक को मार डाला था। ये जानकर जिन को भी हैरानी हुई, क्योंकि राज ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो उसी वक्त वहां से चली गई। जिन के वहां से जाने के बाद विल ने ऑगी को समझाया कि जिन हमेशा सोच समझ कर ही फैसले लेती है। अगर वो वेड के साथ काम कर रही है तो वो काम इंसानियत की भलाई के लिए ही होगा। ये कहकर विल ने ऑगी को जिन का साथ देने के लिए मना लिया। वहीं दूसरी ओर जिन राज से मिली और उससे उस शिप वाली घटना के बारे में बात की। जिन ने देखा कि राज को उन मासूम बच्चों को मारकर भी कोई पछतावा नहीं था। इस बात पर जिन राज से बहुत नाराज हो गई। अगले दिन जिन वेड के हेडक्वार्टर में जा पहुंची। उसने वेड से कहा, हमारे स्टेयरकेस प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम है। हम अपने प्रोब को 1% लाइट की स्पीड से सांटी के स्पेसशिप तक भेजना चाहते हैं, लेकिन सांटी भी तो 1% लाइट की स्पीड से ही हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं। ऐसे में तो हमारा प्रोब सांटी के स्पेसशिप से 1 नैनोसेकंड से भी कम वक्त में गुजर जाएगा। इतने कम वक्त में हम सांटी के स्पेसशिप्स की जानकारी लेना तो दूर, उनकी फोटो तक नहीं ले सकते। इस पर वेड ने कहा, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने तय किया है कि हम अपने प्रोब में कोई कैमरा नहीं बल्कि एक इंसान भेजेंगे, क्योंकि सांटी इंसानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रोब में कोई इंसान है तो वे उस इंसान पर रिसर्च करने के लिए उसे खुद ही अपने स्पेसशिप में ले आएंगे, जिसके बाद वो इंसान हमें सांटी की सारी जानकारी देता रहेगा। वेड का ये प्लान सुनकर जिन सन रह गई। उसने वेड से पूछा, लेकिन सांटी तो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, उन्हें तो पता होगा कि उन तक पहुंचने वाला इंसान हमारा जासूस है, फिर भला वो उसे अपने शिप पर क्यों ले जाएंगे। इस पर वेड ने कहा, माना कि सांटी को हमारे प्लान के बारे में पता है, लेकिन उनमें इंसानों को जानने की इतनी जिज्ञासा है कि वे इंसान को समझने के लिए ये रिस्क उठाने को भी तैयार हो जाएंगे। जिन ने वेड से आगे पूछा, अगर वो इंसान सांटी तक पहुंच भी गया तो वो हमें सांटी की जानकारी कैसे दे पाएगा। इस पर वेड ने कहा, इसके लिए हमें एक ऐसे इंटेलिजेंट इंसान को सांटी तक भेजना होगा जो सांटी के स्पेसशिप में रहकर हमसे कॉन्टेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढ सके और उनकी निगरानी में रहते हुए भी किसी तरह हमें उनकी इन्फॉर्मेशन दे सके। इसी दौरान दूसरी ओर विल की मौत नजदीक आती जा रही थी, जिससे विल मायूस हो चुका था। वो मरने से पहले जिन के लिए कुछ करना चाहता था। उसी पल उसे द स्टार्स और डेस्टिनेशन चैरिटी का ख्याल आया। वो उसी वक्त चैरिटी में आ गया। विल ने जैक से मिले 2 अरब रुपयों से जिन के नाम पर एक स्टार खरीद लिया। उधर दूसरी तरफ क्लेरेंस ने येवेंजी को बाइज्जत बरी कर दिया था, क्योंकि कानून की नजर में येवेंजी ने ऐसा कोई गुना नहीं किया था कि वे उसे ज्यादा दिन अपनी कैद में रख पाते। येवेंजी रिहा होने के बाद सीधे अपने घर आ गई। उसने सितारों की ओर देखते हुए सांटी से कहा, मेरी एक गलती की वजह से पूरी मानव जाति खतरे में पड़ गई है, लेकिन अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो एक बात जान लो, तुम हम इंसानों को ऐसे ही कीड़ों की तरह कुचल नहीं पाओगे। मेरे पास एक प्लान है जिससे जब तुम यहां आओगे तो या तो हमारी लड़ाई बराबरी की होगी या कोई लड़ाई नहीं होगी। दूसरी ओर विल हॉस्पिटल में अपना आखिरी वक्त गुजार रहा था। उसने जिन के लिए खरीदे स्टार के डॉक्यूमेंट्स बिना अपना नाम बताए जिन को गिफ्ट करवा दिए थे। उस गिफ्ट को पाने के बाद जिन ये सोचकर हैरान रह गई थी कि आखिर इतना महंगा गिफ्ट उसे कौन दे सकता था। कुछ समय बाद जिन वेड और बाकी साइंटिस्ट्स के साथ एक लैब में आ गई। उस लैब में वेड और उसके साइंटिस्ट की टीम ने एक हाइबरनेशन कैप्सूल का आविष्कार किया था, जिसके अंदर किसी भी इंसान या जीव को कितने भी सालों तक सुलाकर जीवित रखा जा सकता था। उस कैप्सूल में सोने वाले इंसान या जीव की उम्र भी नहीं बढ़ती थी।
उस लैब से निकलने के बाद जिन ने वेड से पूछा, आखिर ये हाइबरनेशन कैप्सूल क्यों बनाया गया है। इस पर वेड ने जिन को बताया, इस हाइबरनेशन कैप्सूल में मैं सांटी के आने तक यानी कि 400 सालों तक सोया रहूंगा, क्योंकि सांटी जब यहाँ आएंगे तो मुझे उनका सामना करना है। साथ ही मेरे पास सांटी को हराने का एक प्लान भी है जिसे सिर्फ मैं ही अंजाम तक पहुंचा सकता हूँ। मैं साल में एक बार सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही जागूंगा और देखूंगा कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। उसके बाद मैं फिर हाइबरनेशन कैप्सूल में चला जाऊंगा। इस तरह मेरी उम्र भी नहीं बढ़ेगी और मैं 400 सालों तक जिंदा रहकर अपने प्लान को अंजाम दे पाऊंगा। ये सुनकर जिन ने वेड से पूछा, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसे सिर्फ तुम ही अंजाम तक पहुंचा सकते हो। इस पर वेड ने कहा, वो तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। ये कहकर वेड वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वेड ने फिर से साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाई। इस बार उन साइंटिस्ट्स में ऑगी भी शामिल थी, जो अपने नैनो फाइबर से उनके प्रोब के लिए पैराशूट बना रही थी। वेड ने साइंटिस्ट्स को बताया, हमें अपने स्टेयरकेस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 1000 की जगह केवल 300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही मिल पाए हैं। इसलिए अब हमें अपने प्रोब को 1% लाइट की स्पीड से सांटी तक भेजना है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रोब का वजन 2 किलो से ज्यादा ना हो, जिसका मतलब है कि हम प्रोब में किसी इंसान को तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। ये सुनकर सभी इस सोच में पड़ गए कि आखिर वे इंसान की जगह ऐसी कौन सी हल्की चीज भेज सकते हैं जिसमें सांटी की दिलचस्पी हो और वो उसे देखते ही अपने शिप पर ले जाए। तभी वेड ने कहा, हम किसी इंसान की जगह केवल उसका दिमाग भी तो प्रोब में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ही तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और वही हमें इंसान बनाता है। मुझे पूरा यकीन है कि सांटी हमारे दिमाग की बनावट को ही समझना चाहते हैं, और अगर सांटी की टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वो हमारे भेजे दिमाग से दोबारा उसका पूरा शरीर ही बना देंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। अगर एक बार उन्होंने हमारे भेजे दिमाग को दोबारा इंसान में बदल दिया तो वो इंसान हमारे लिए जासूस का काम करेगा और हमें सांटी की सारी जानकारी दे देगा। लेकिन इस काम के लिए हमें एक काबिल फिजिसिस्ट की जरूरत होगी जो सांटी की टेक्नोलॉजी को समझ सके। इस पर वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट्स वेड से नजरें चुराने लगे, क्योंकि भला कौन जीते जी अपना दिमाग सांटी को भेजना चाहेगा। लेकिन वेड ने उनसे कहा, फिक्र मत करो, इस काम के लिए मैंने पहले ही एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया है जो बहुत ही काबिल फिजिसिस्ट है और वो जल्द ही कैंसर से मरने भी वाला है, इसलिए हम उसका दिमाग निकाल सकते हैं। ये सुनकर जिन और ऑगी समझ गए कि वेड विल की बात कर रहा था, क्योंकि विल एक काबिल फिजिसिस्ट था और कैंसर से जल्द ही उसकी मौत भी होने वाली थी। ये समझ आते ही जिन और ऑगी परेशान हो उठे। ऑगी ने वेड से कहा, तुम विल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर वेड ने कहा, सांटी की टेक्नोलॉजी को विल जैसा इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट ही समझ सकता है, और वैसे भी मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। मैं सिर्फ उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, हमारा साथ देना या ना देना उसकी मर्जी होगी। ये सुनकर जिन ने कहा, माना कि अगर विल सांटी तक पहुंच भी गया और उसने हमसे कॉन्टेक्ट कर भी लिया, तो भी सांटी की नजर हर वक्त विल पर रहेगी, वो उनकी निगरानी में रहकर हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगा। इस पर वेड ने कहा, अगर विल हमसे कॉन्टेक्ट करने में कामयाब हो गया तो वो हम तक सांटी की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का भी कोई तरीका जरूर निकाल लेगा, और वैसे भी सांटी इंसानों का दिमाग नहीं पढ़ सकते और ना ही झूठ पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें विल के इंटेंशंस कभी समझ नहीं आएंगे। ये कहते ही वेड के दिमाग में एक और आइडिया आया और वो तुरंत वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी ओर ऑगी वेड के इस काम से नाखुश थी। वो जिन के लिए पैराशूट बनाने का काम पूरा कर चुकी थी, अब वो इंग्लैंड में और नहीं रहना चाहती थी। उसने विल को अलविदा किया और अपनी कंपनी हमेशा के लिए बंद करके अपने देश मेक्सिको लौट गई। उधर ऑफिस पहुंचकर वेड ने एक अनजान शख्स को कॉल किया और उसे बताया, सांटी अपने सोफोन्स के जरिए हमें हर वक्त देख और सुन रहे हैं, इसलिए हमारा उनसे छुपकर कोई भी प्लान बना पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सांटी के खिलाफ प्लान भी बनाएंगे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए हमें 3 इंटेलिजेंट लोगों को चुनना होगा जो वॉल फेसर्स कहलाएंगे। इसी दौरान उधर जिन विल से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी ताकि वो उसे स्टेयरकेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से रोक सके, लेकिन वेड विल को पहले ही स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका था, जिसके बाद विल अपना दिमाग सांटी के हवाले करने के लिए राजी भी हो गया था। पर जिन ने विल को समझाया कि वो ऐसा ना करे, वे लोग विल की जगह कोई दूसरा आदमी ढूंढ लेंगे। लेकिन विल को पता था कि ये प्रोजेक्ट जिन की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था
और जिनको इस प्रोजेक्ट के लिए विल जैसा और कोई फिजिसिस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उसने केवल जिन की खातिर इस काम को करने का ठान लिया। इसी दौरान उधर येवेंजी सांटी को रोकने का कोई प्लान सोच रही थी। इसके लिए वो कुछ किताबें पढ़ रही थी, जिसमें से एक किताब थी गेम थ्योरी, जो स्ट्रेटजी बनाने के बारे में थी, और दूसरी थी फर्मी पैराडॉक्स, जिसमें इस सवाल पर डिस्कशन किया गया था कि अगर अंतरिक्ष में अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं, तो उनमें से कई प्लैनेट्स ऐसे भी होंगे जहां एलियंस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां कोई एलियंस मौजूद हैं, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करते। उन किताबों को पढ़ने के बाद येवेंजी ने अपने दिमाग में ही सांटी को हराने का एक प्लान तैयार कर लिया। तभी उसे सॉल का ख्याल आया, जो वेरा का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था। येवेंजी ने उसी वक्त सॉल को कॉल करके एक पार्क में मिलने बुलाया। वहां उन्होंने कुछ देर बातें की। उसके बाद येवेंजी ने सॉल से कहा, मैं तुम्हें एक जोक सुनाने वाली हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनना। ये कहकर येवेंजी ने सॉल को जोक सुनाया। आइंस्टाइन की जब मौत हुई तो उन्होंने खुद को स्वर्ग में अपने वायलिन के साथ पाया। आइंस्टाइन की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें फिजिक्स से भी ज्यादा वायलिन पसंद था। उन्होंने इमेजिन किया कि वो स्वर्ग में कितना सुरीला वायलिन बजा सकते हैं। उन्होंने जैसे ही वायलिन बजाना शुरू किया, कुछ एंजल्स उनके पास आ गए और कहा, तुम भूलकर भी वायलिन मत बजाना, हमारे ईश्वर को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ईश्वर को सैक्सोफोन बजाना पसंद है। ये सुनकर आइंस्टाइन रुक गए, लेकिन जल्द ही आइंस्टाइन बोर होने लगे, क्योंकि स्वर्ग में म्यूजिक के अलावा समय बिताने के लिए और कुछ नहीं था। उसी पल आइंस्टाइन को कहीं दूर से ईश्वर के सैक्सोफोन की धुन सुनाई दी। वो धुन आइंस्टाइन ने पहले भी सुन रखी थी। आइंस्टाइन ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने वायलिन पर वही धुन बजाएं, वे दोनों साथ मिलकर एक सुरीली धुन बना सकते हैं। ये सोचकर आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया, लेकिन तभी ईश्वर वहां आ गए। उन्होंने आइंस्टाइन का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया और उनके प्यारे वायलिन के भी टुकड़े कर दिए। आइंस्टाइन को स्वर्ग में भी दर्द का एहसास हुआ। अब म्यूजिक के बिना उन्हें स्वर्ग भी नर्क की तरह लगने लगा। तभी वो एंजल्स एक बार फिर आइंस्टाइन के पास आए और कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, नेवर प्ले विद गॉड, वायलिन बजाकर ईश्वर के साथ खिलवाड़ मत करना। इस तरह येवेंजी का जोक खत्म हुआ। वो जोक सुनकर सॉल को हंसी तो नहीं आई, उल्टा वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर येवेंजी के इस जोक का मतलब क्या था। दरअसल येवेंजी ने सॉल को जोक के माध्यम से सांटी को हराने का प्लान समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि सांटी उन्हें देख और सुन तो सकते थे, पर उन्हें इंसानों की केवल सीधी बातें ही समझ आती थी। जोक्स या पहेलियां समझना उनके लिए मुश्किल था। इसके बाद येवेंजी सॉल को अलविदा करके वहां से चली गई। इसी दौरान दूसरी ओर तातियाना गोली के जख्म से उभर चुकी थी और दुनिया से छुपकर एक वैन में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक तातियाना के टीवी स्क्रीन पर सांटी की वो एआई प्रकट हो गई। तातियाना ने उस एआई से कहा, तुमने तो इवांस और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साथ छोड़ दिया था, तुमने उन्हें मरने दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस पर एआई ने जवाब दिया, हमने इवांस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का साथ छोड़ा था, तुम्हारा नहीं, तुम अब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अब तुम हम में से एक हो, सांटी अब भी उसकी परवाह करते हैं। ये सुनकर तातियाना के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। दूसरी ओर विल अपने शरीर से अपना दिमाग निकलवाने के लिए तैयार था। इस मुश्किल घड़ी में सॉल भी विल के साथ मौजूद था। सॉल ने विल को समझाते हुए कहा, तुम अपना दिमाग सांटी को सौंप कर गलत कर रहे हो, अगर उन्हें तुम्हारा दिमाग मिल गया तो हो सकता है वो तुम्हें दोबारा जीवित कर दें और तुम्हारे दिमाग को समझने के लिए तुम पर एक्सपेरिमेंट्स करें। वो जानना चाहेंगे कि एक इंसान कैसे सोचता है, उसे डर कैसे लगता है, वो दुखी कैसे होता है। ये पता लगाने के लिए वो तुम्हें इस कदर टॉर्चर कर सकते हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर तुम उनके टॉर्चर से मर भी गए तो वो तुम्हें दोबारा जीवित कर लेंगे और फिर से तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। हालांकि विल ने अपना फैसला नहीं बदला। तभी उधर जिन को वेड से पता चला कि उसे जो अरबों रुपए का स्टार गिफ्ट में मिला था, वो उसे विल ने ही दिया था। उसे सुनकर जिन को एहसास हुआ कि विल उससे सच्चा प्यार करता था। वो फौरन हॉस्पिटल जा पहुंची ताकि वो विल को अपनी जान देने से रोक सके, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइंटिस्ट्स विल के शरीर से उसका दिमाग निकाल चुके थे और उसे एक फ्रीजिंग डिवाइस में रख दिया था। उस डिवाइस में विल का दिमाग हमेशा जीवित रहने वाला था। विल का दिमाग उसके शरीर से मुक्त होते देख जिन फूट फूट कर रोने लगी। इसी दौरान दूसरी तरफ पूरी मानव जाति को खतरे में डालकर येवेंजी का दिल पछतावे से भर गया था। उस पछतावे के साथ जीना उसके लिए मुश्किल हो चुका था।
वो अपनी जान देने के लिए एक पहाड़ी की छोर पर आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कूद पाती उसे पीछे से किसी ने आवाज दिया। वो आवाज तातियाना की थी। दरअसल सांटी जान चुके थे कि एवेंजी के पास कोई ऐसा प्लान था जो उन्हें पृथ्वी पर आने से रोक सकता था, इसलिए उन्होंने एवेंजी को मरवाने के लिए तातियाना को वहां भेज दिया था। लेकिन एवेंजी तो पहले ही आइंस्टाइन वाले जोक के जरिए सॉल को अपना प्लान बता चुकी थी, इसलिए उसने बेखौफ अपनी मौत को गले लगा लिया। दूसरी ओर सॉल अपनी एक दोस्त के साथ सड़क के किनारे खड़ा टैक्सी का इंतजार कर रहा था। इतने में ही वहां स्केटिंग कर रहा एक लड़का सॉल से टकराता हुआ आगे निकल गया, जिससे सॉल दूर जा गिरा। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने सॉल की दोस्त को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये देख सॉल की सांसें तक थरथरा उठी। कुछ वक्त बाद डिटेक्टिव क्लेरेंस को भी इस घटना की खबर मिल चुकी थी। वो सॉल को हेडक्वार्टर ले आया और बताया, अभी अभी जिस कार एक्सीडेंट में तुम्हारी दोस्त की जान गई, उस कार के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था। उसका मकसद तुम्हारी दोस्त को मारना नहीं बल्कि तुम्हें मारना था, लेकिन स्केटिंग कर रहे उस लड़के से तुम्हें धक्का लगा और तुम दूर जा गिरे, जिससे तुम्हारी जान बच गई। ये सुनकर सॉल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूछा, आखिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? इस पर क्लेरेंस ने कहा, कुछ दिन पहले तुम्हारी एवेंजी से कोई बात हुई थी, जिसके ठीक बाद एवेंजी का किसी ने कत्ल कर दिया। हो सकता है एवेंजी ने तुम्हें कोई ऐसी राज की बात बताई हो जिसकी वजह से कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर सॉल ने कहा, लेकिन एवेंजी ने तो मुझे ऐसी कोई राज की बात नहीं बताई थी। पर सॉल ये नहीं जानता था कि एवेंजी ने उसे जो जोक सुनाया था उसमें ही सांटी को हराने का राज छुपा था। हालांकि सांटी को भी वो जोक समझ नहीं आया था, पर उन्हें पता था कि सॉल उनके रास्ते का कांटा बन सकता था, इसलिए सांटी उसे मरवाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ही कार को हैक करके सॉल को कुचलने की कोशिश की थी। इतने में ही क्लेरेंस ने सॉल को एक बुलेट प्रूफ सूट दिया और उसे पूरी सिक्योरिटी के साथ प्लेन से कहीं ले जाने लगा। सॉल ने उससे पूछा, आखिर हम जा कहां रहे हैं? इस पर क्लेरेंस ने उसे बताया, हम लोग जहां जा रहे हैं वहां तुम्हें एक बड़ा काम करना है, और अब से तुम्हारी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ देर बाद उनका प्लेन न्यूयॉर्क में लैंड हुआ, जहां केंट नाम का एक आदमी अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ सॉल का इंतजार कर रहा था। वो फौरन सॉल को यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ले आया। उस हेडक्वार्टर में प्लेनेटरी डिफेंस काउंसिल की एक सेरेमनी आयोजित की गई थी, जिसे न्यूज चैनलों के जरिए दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। उस सेरेमनी में काउंसिल की सेक्रेटरी जनरल ने पूरी दुनिया के सामने वॉल फेसर नाम का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसकी नींव वेड नहीं रखी थी। वैसे तो सांटी अपने सोफोन्स के जरिए इंसानों की हर एक चाल को, हर एक सीक्रेट को देख और सुन सकते थे, जिस कारण उनके खिलाफ कोई भी प्लान बना पाना नामुमकिन था। लेकिन सांटी की भी एक कमजोरी थी, वे इंसानों का दिमाग नहीं पढ़ सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर वॉल फेसर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत काउंसिल के मेंबर्स ने 3 इंटेलिजेंट लोगों को चुना था, जिन्हें वॉल फेसर्स कहा जाता था। वॉल फेसर्स का काम था अपने दिमाग में ही सांटी को हराने का प्लान बनाना और उसे इस तरह से एग्जीक्यूट करना कि सांटी उसे समझ ना पाए। वॉल फेसर्स अपने प्लान को तब तक किसी से भी शेयर नहीं कर सकते थे जब तक वे उस प्लान को अंजाम तक ना पहुंचा दें। उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे चाहे तो किसी भी हद तक जा सकते थे। उन पर ना तो कोई रोक टोक कर सकता था और ना ही दुनिया का कोई भी नियम या कानून उन पर लागू होता था। ये बताने के बाद सेक्रेटरी जनरल ने 3 में से 2 वॉल फेसर्स के नाम अनाउंस किए। वे दोनों वॉल फेसर्स युद्ध के लिए स्ट्रेटजी बनाने में दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर थे। इसके बाद उन्होंने 3रे वॉल फेसर का नाम लिया। वो और कोई नहीं सॉल था। वॉल फेसर्स में अपना नाम सुनकर सॉल भौचक्का रह गया। कुछ देर बाद जब सेरेमनी खत्म हुई तो सॉल ने सेक्रेटरी जनरल से कहा, आखिर आप लोगों ने वॉल फेसर के लिए मुझे क्यों चुना? बाकी 2 वॉल फेसर्स तो दुनिया की नजरों में हीरो हैं, लेकिन मैं तो बस एक लो लेवल का रिसर्चर हूँ। इस पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तुम्हें किसी खास मकसद के लिए ही वॉल फेसर चुना गया है। वो मकसद क्या है वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हें वो मकसद समझ आ जाएगा। ये सुनकर सॉल ने कहा, आप लोग बिना मेरी मर्जी के मुझे वॉल फेसर कैसे चुन सकते हैं? मैं वॉल फेसर बनने के ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। मैं बस वापस अपने घर लौटना चाहता हूँ। इस पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, हम तुम पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे। ये सुनकर सॉल वहां से जाने लगा। वो जैसे ही काउंसिल हॉल से बाहर निकला, तभी अचानक किसी ने सॉल पर गोली चला दी।
जिससे सॉल जमीन पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सॉल की जान तो बच गई, पर वो बुरी तरह घायल हो गया। क्लेरेंस फौरन उसे हॉस्पिटल ले आया। कुछ देर बाद सॉल को होश आ गया। सॉल ने उसे बचाने के लिए क्लेरेंस का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच सॉल ने टीवी पर देखा कि सेक्रेटरी जनरल ने न्यूज में ये अनाउंस कर दिया था कि सॉल ने वॉलफेसर का पद छोड़ दिया है। वो खबर सुनकर सॉल के दिल को राहत मिल गई। तभी क्लेरेंस ने सॉल को बताया कि न्यूयॉर्क पुलिस ने उस शूटर को पकड़ लिया है जिसने सॉल पर गोली चलाई थी। उस शूटर का कहना है कि वो सांटी का भक्त है और उसने सांटी के आदेश पर ही सॉल को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर सॉल घबरा गया। उसने क्लेरेंस से कहा कि उसे अभी के अभी अपने घर लौटना है। ये सुनकर कैंट वहां आ गया। कैंट ने सॉल से कहा, आज से मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी आप मुझे बता सकते हैं, आपको कहीं भी जाना हो तो मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स करूंगा। ये सुनकर सॉल ने कहा, अब मैं वॉलफेसर नहीं हूँ, ये बात तो तुम लोग टीवी पर भी अनाउंस कर चुके हो, फिर भी तुम मेरे साथ वॉलफेसर जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? इस पर कैंट ने कहा, बेशक आप वॉलफेसर का पद छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं तो बस वही कर रहा हूँ जैसा मुझे आदेश दिया गया है। ये सुनकर सॉल का दिमाग ही चकरा गया। वो एक बार फिर सेक्रेटरी जनरल से मिला और कहा, मैंने तो वॉलफेसर बनने से इनकार कर दिया था, फिर भी मुझे जबरदस्ती वॉलफेसर क्यों बनाया जा रहा है? इस पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तुम चाहो या ना चाहो, दुनिया ने तुम्हें वॉलफेसर स्वीकार कर लिया है। किसी भी इंसान या सांटी तक को ये नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए अब से तुम जो भी बोलोगे या करोगे उससे तो उन्हें यही लगेगा कि तुम सांटी को हराने के लिए कोई चाल चल रहे हो। तुम्हारा वॉलफेसर का पद छोड़ना भी उन्हें तुम्हारी कोई चाल ही लग रही है। मैं मानती हूँ कि वॉलफेसर बनना एक जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। ये कहकर सेक्रेटरी जनरल वहां से चली गई। उधर दूसरी ओर जिन और वेड अपने स्टेयरकेस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की सारी तैयारी कर चुके थे। वहीं सॉल भी विल को अलविदा करने आया हुआ था। इतने में ही साइंटिस्ट ने उस प्रोब को रॉकेट में लोड कर दिया जिसमें विल का दिमाग रखा गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने रॉकेट लॉन्च किया जिसने उस प्रोब को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में सांटी की ओर रवाना कर दिया। अंतरिक्ष में जाते ही प्रोब का पैराशूट भी खुल गया और वो प्रोब को खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो पैराशूट पहले न्यूक्लियर बॉम्ब से गुजरा जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब में धमाका हो गया। उस धमाके से निकले रेडिएशन से पैराशूट को एक धक्का मिला और पैराशूट प्रोब को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी तरह प्रोब से जुड़ा पैराशूट एक के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पार करता गया और हर धमाके से उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था जिससे जिन और वहां मौजूद सारे लोगों में मिशन के कामयाब होने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन न्यूक्लियर धमाकों से पैराशूट की रस्सी कमजोर पड़ गई थी। तभी जब पैराशूट अगले न्यूक्लियर बॉम्ब से गुजरा तो उसमें हुए धमाके से पैराशूट की एक रस्सी खुल गई जिससे पैराशूट अपने डायरेक्शन से मुड़ गया और विल का दिमाग रखा प्रोब लेकर किसी और ही डायरेक्शन में चला गया। ये देख जिन के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। उनका मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था और उससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उन्होंने विल के जीवित दिमाग को हमेशा के लिए खो दिया था। अब विल का दिमाग इसी तरह जीवित अवस्था में लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा। विल के बारे में सोचकर जिन के आंसू थम नहीं रहे थे। तभी वेड ने जिन के कान में फुसफुसाकर कोई बात कही और वहां से वापस लंदन के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बाद जिन और सॉल विल को खो देने से काफी ज्यादा मायूस हो चुके थे और साथ ही स्टेयर केस प्रोजेक्ट फेल हो जाने से अब उनमें सांटी को रोक पाने की उम्मीद भी चकनाचूर हो चुकी थी। उन्हें यकीन हो चुका था कि अब सांटी धरती पर जरूर आएंगे और पूरी मानव जाति को कीड़ों की तरह कुचल कर रख देंगे। लेकिन तभी क्लेरेंस उनके पास आया और उन्हें अपने साथ जंगल में एक झील के किनारे ले गया। उस झील के किनारे करोड़ों की संख्या में कीड़ों के झुंड मौजूद थे। उन कीड़ों ने आसपास के गांवों में भी डेरा जमा लिया था और किसानों के उगाए फसलों को खाकर नष्ट कर रहे थे। क्लेरेंस ने जिन और सॉल से कहा, हम इंसानों को इन कीड़ों से नफरत है, हमने इनसे छुटकारा पाने के लिए इन पर कीटनाशक का उपयोग किया, इन्हें जलाया कुचला, लेकिन हम इन्हें यहां से भगा पाने में नाकाम रहे। उसी तरह सांटी के लिए हम कीड़े ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें हमारी जगह से कभी हटा नहीं पाएंगे। ये कहकर क्लेरेंस ने जिन और सॉल को आत्मविश्वास से भर दिया और वे तीनों एक बार फिर सांटी को रोकने का नया प्लान बनाने निकल पड़े। इसी के साथ थ्री बॉडी प्रॉब्लम का ये सीजन
यहीं खत्म हो गया। लेकिन जरा रुकिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे तो हमें देखना है कि क्या विल का जीवित दिमाग अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा या सांटी उसे किसी तरह अपने स्पेसशिप पर लाकर दोबारा जीवित कर देंगे। अब वेड सांटी को रोकने का कौन सा नया प्लान बनाएगा और आखिर येवेंजी के जोक में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिससे सांटी को हराया जा सकता था? क्या सॉल कभी उस राज को समझ पाएगा? थ्री बॉडी प्रॉब्लम के अगले सीजन में ऐसे ही कई सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, तो इंतजार कीजिए थ्री बॉडी प्रॉब्लम के अगले सीजन का। लेकिन फिक्र मत कीजिए, तब तक हमारे चैनल पर ऐसे ही रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।